अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बनाना जा रही हूँ चिकन वेजिटेबल स्नैक्स। ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के होते हैं, बड़ों और छोटों के पसंद के। चिकन स्नैक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप मैदा। इसको मैं अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लूँगी इस तरह से। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम पहले मिक्स करेंगे इस तरह से। हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, देखें। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको को घूमते जाएंगे इस तरह से। और अच्छी तरह हैंड वॉश करके कीजिएगा। मैंने अच्छी तरह से अपने हैंड वॉश कर लिए थे इस तरह से। जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं उस तरह से हमने इस डो को रेडी करना है। डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर हम लगाएंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का और इसको आधे घंटे के लिए हम स्टे के लिए रख देंगे। अच्छी तरह हिला लेंगे इस तरह से। अब आधा घंटा इसको हम रेस्ट देंगे। अब एक हम बैटर रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। अब इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक पतला सा बैटर रेडी कर लेंगे इस तरह से। इसको हमने पतला सा बटर रेडी करना है, थिक नहीं करना। और 1 कप पूरा मेरा पानी का लगा था इसके अंदर। अब जो मेरा बकाया बचा है उसको भी मैं ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह देखिए हमारा पतला सा बटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल लम्स नहीं है, बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे हम इसकी फिलिंग को रेडी करते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और 2 मीडियम साइज़ की मैंने गाजरें ली हैं और इसको 2 मिनट देंगे हम फ्राई करेंगे। 2 ही मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ली हैं और ब्रीक बिल्सन को मैंने चॉप कर लिया था, मतलब कि स्लाइस में कट कर लिया था। और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस तरह से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन, 1/2 kg से थोड़ा सा कम चिकन है ये। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून में नमक ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून चाइनीज़ नमक जिसे आप जिनोमोटो भी कहते हैं, 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे सूखा धनिया। और 1/2 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके। अब इसके अंदर मैं चिकन की यखनी ऐड करूँगी 1/2 कप। ये मैंने इसके अंदर चिकन की यखनी ऐड कर दी है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून सोया सॉस के। एंड अब उसके साथ हम ऐड करेंगे चिली सॉस, 2 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे चिली सॉस के इस तरह से। और इसको हम एक बार मिक्स करके और इसको ढक के हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा मटेरियल रेडी हो रहा है। अब इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को बॉईल करके मैश करके रख लिया था। इसको अच्छी तरह से इसके अंदर डाल के और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये आप ज़रूर बनाइएगा, ये स्नैक्स बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनते हैं। बच्चों को लंच में बना के दीजिएगा कि देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी
और एक बार इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा मटेरियल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम अपनी डो की तरफ आते हैं। ये देखिए हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, कितनी ज़बरदस्त। अब हम इस तरह थोड़ा सा मैदा डालेंगे और इसको अच्छी तरह से एक बार इस तरह से करेंगे, कुछ बबल्स या कुछ भी है तो वो ख़त्म हो जाए। और इस तरह से ये देखिए इस तरह 2 मिनट तक हम इस तरह कर लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए अभी हमने पेड़ा कर लिया है। अब इसको हम हाफ कर देंगे, 2 पेड़े बना लेंगे इसके इस तरह। अब इसको हम बेल लेंगे। आपने इसको जितना बड़ा कर सकते हैं, जितना पतला बेल सकते हैं बेल लीजिएगा। ये स्नैक्स ज़रूर बनाइएगा। वाकई ये मैंने बहुत टेस्टी बने थे, बहुत मज़ा आया था हमें इसको खाने का। ज़रूर आप बनाइएगा। ये देखिए इस तरह मैंने इसको बेल लिया है। अब इसके अंदर मैंने जो मटेरियल ऐड किया था उसको लगाएंगे। इस तरह इसको अच्छी तरह से सारा फैला देंगे। इसको मैं अच्छी तरह सारा फैला दूंगी। इस तरह ये देखिए मैंने फैला दिया है। अब मैं इसके ऊपर सारा चीज़ ऐड करूंगी। इस तरह ये देखिए मैंने इसमें सारी चीज़ ऐड कर दी और इसको टर्न करेंगे इस तरह। बड़े एहतियात से आपने इसको राउंड में लेके जाना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह। और अब उसको थोड़ा सा हम पुश करते जाएंगे और साथ साथ इसको इस तरह से राउंड में लेके जाते जाएंगे इस तरह। अब एक नाइफ की मदद से हम फ्रंट से थोड़ा सा इसको कट कर देंगे और लास्ट से। और अब हम इसके इनको इस तरह से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें कितनी अच्छी इनकी लेयरिंग होती है दरमियान से भी। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। अब इनको एक मैं प्लेट में डाल लूँगी। अब हम इनको फ्राई करेंगे। पहले हम मटेरियल के अंदर डिप करेंगे और ऑयल में ऐड करेंगे। पहले ऑयल को मैंने तेज़ आंच पर गरम कर लिया था और अब मैंने इनको मीडियम फ्लेम में कर दिया है नॉर्मल आंच पे। इस तरह से एक एक करके मैं सब ऐड कर दूंगी। ये देखें और इनको लाइट ब्राउन और अच्छा सा हम कलर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा कलर आ चुका है। बहुत टेस्टी बनते हैं चिकन वेजिटेबल स्नैक्स। आप ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर बताइएगा कैसे हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस तरह से हम इन सबको बाहर निकाल लेंगे इस तरह। ये इतने क्रिस्पी बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। इनका ऑयल मैं अच्छी तरह से निकाल लूँगी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं। मैं आपको दरमियान से तोड़ कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी चीज़ी स्नैक्स बहुत टेस्टी बने हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर बताइएगा कैसे बने हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।